नमस्कार मित्रों, मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी 2017 के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम आप सबको बताना चाहेंगे कि जो संस्था यूपीएससी का एग्ज़ाम करवा रही थी उसने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि हो सकता है ये एग्ज़ाम पहले फिज़िकल के रूप में हो, बाद में रिटन के रूप में हो। तो दोस्तों, जो संस्था यूपीएससी का एग्ज़ाम करवा रही थी उसने कई अन्य संस्थाओं से मदद मांगी है और ये रिपोर्ट 30 सितंबर तक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी कि हमें पहले फिजिकल कराना है या रिटर्न। लेकिन ज़्यादा उम्मीद इस बात की है, 70% वोट इस बात को मिले हैं कि पहले फिजिकल कराया जाना चाहिए, बाद में रिटर्न। तो फिजिकल की प्रक्रिया में कुछ इस प्रकार से कार्य किए जाएंगे। जो पुरुष वर्ग होगा उसके लिए 28 मिनट का समय होगा और 4800 मीटर की रेस होगी। जो महिला वर्ग होगा उसके लिए 2400 मीटर की रेस होगी और 16 मिनट का समय होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति 28 मिनट में रेस पूरी करेगा उसे 80 नंबर मिलेंगे और जो व्यक्ति 20 मिनट के अंदर ये रेस पूरी करेगा उसे पूरा 100 में 100 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों, आपके पास अच्छा समय है, 2 महीने तो कम से कम ये रिजल्ट आना बाकी है। तो 2 महीने आपके पास अच्छा समय है, 2 महीने में आप अपना फिजिकल अच्छे से तैयार कर लीजिए और पूरा 100 में 100 लाने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ से आप पूरा 100 में 100 नंबर लाते हैं और अन्य बच्चे की अपेक्षा 20 नंबर की लीड यहाँ से बढ़ाते हैं तो रिटर्न में आपके लिए बहुत आसानी होगी और रिटर्न पास करने में भी आपको 20 नंबर की मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।